may be crazy, but my decent boys not talk too much. Grab on my waist, that foot, that body on me. Come on, I'll follow my lead. Now, come on, I'll follow my lead. I'm in love with the shape of you. Push and pull like a magnet do. Now my heart is falling too. I'm in love with the body. Last night you were in my room. Now my bed sheets smell like you. My big discovery, something new. I'm in love with the body. I'm in love with the body. I'm in love with the body. Hey guys, तो आज हम यही वाला lesson करेंगे, finger plucking, finger strumming. ये हम कैसे कर सकते हैं. एंड एक चीज गाइस कि कभी भी हम जब भी कोई पैटर्न सीखते हैं या कोई भी नई चीज, तो उसको उस गाने के लिए नहीं हमने सीखनी होती कि ये वाला हम गाना उसमें बजा पाएंगे तो सही लगेगा या ऐसे. हम पैटर्न सीखते जाएंगे, कॉर्ड स्केल्स ये सब अगर हम सीखते जाएंगे तो गाने और चीजें अपने आप निकलते जाएंगी. आपको खुद भी मतलब अपने आप से ही आप निकाल लोगे, कुछ करना भी नहीं पड़ेगा. तो कभी भी जब हम कोई चीज सीखते हैं तो एक या दो गाने के लिए नहीं, हमें हमेशा मतलब उस चीज को सीखना चाहिए, उसके अंदर जाना चाहिए, उसको इम्प्रोवाइज करना चाहिए. तो ये सिंपल सी चीज है, जैसे हम स्टार्ट करते हैं अपनी फिंगर प्लकिंग. सपोज हमने सी शार्प माइनर पकड़ा है, यहाँ पे हम क्या कॉर्ड्स लेते थे, सी शार्प माइनर, एफ शार्प माइनर, ए मेजर एंड बी मेजर, ये चार कॉर्ड्स ले रहे थे. एंड इनमें बेस नोट्स का हमने ध्यान रखना होता है सबसे ज्यादा, ठीक है. जैसे सी शार्प माइनर ले रहे हैं तो ये वाला इसका बेस नोट बनेगा, फिफ्थ स्ट्रिंग पे ये फोर्थ फ्रेट, ये एफ शार्प माइनर में ये सिक्स स्ट्रिंग पे सेकंड फ्रेट, ए मेजर में ये फिफ्थ पे एंड बी मेजर पे ये सेवंथ पे. तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं हमेशा, जब पहला नोट प्लग करते हैं ना इस वाले स्टाइल में, तो यहीं से ये बड़ा ज्यादा आसान है. आप केपो लगा के करना अगर आपको नहीं आएगा, ठीक है, वही रहेगी हिसाब उसका. तो इसमें क्या करना, हमने सिंपल एक बेस नोट प्लग किया, नीचे वाली तीन फिंगर्स हैं अभी सी शार्प माइनर में, वो हमने नीचे वाली तीन स्ट्रिंग्स के लिए रखी हैं, ये फर्स्ट वाली यहाँ पे, सेकंड वाली यहाँ पे एंड थर्ड वाली यहाँ पे, ऐसे करके ये आया इसमें सी शार्प माइनर के लिए. जब हमने एफ शार्प माइनर में जाना तब हमने क्या करना है, वही चीज रहेगी लेकिन जो हमारी नीचे वाली तीन फिंगर्स है वो एक एक स्टेप ऊपर आ जाएंगी. फर्स्ट वाली अब आ जाएगी फोर्थ पे, जो सेकंड वाली है वो आ जाएगी थर्ड स्ट्रिंग पे, एंड जो थर्ड वाली फिंगर है वो आ जाएगी सेकंड स्ट्रिंग पे. वही सेम चीज, ठीक है, वो बजेगा कैसे, हम ऐसे कर रहे हैं डाउन, जैसे एक किया फिफ्थ पे, नीचे से अप, फिर एक स्लैप एंड देन अप. अब आप उसको जो एंड वाला अप है नीचे वाली तीन स्ट्रिंग पे करें या ऊपर वाली फिफ्थ, और उसको ऐसे मिला के करें, जैसी आपकी मर्जी है, इतना सा ही हम कर रहे हैं यहाँ पे. एंड जो एंड वाला अप है वो फिलर है, उसको हम कॉर्ड में नहीं कर रहे हैं. जैसे ये है डाउन अप स्लैप अप डाउन, ठीक है, उसको हम जब चेंज कर रहे हैं ना इन बिटवीन, जैसे यहां से यहां जा रहे हैं उसके बीच में हम कर रहे हैं, आप ध्यान से देखना, जैसे डाउन अप स्लैप फिर एक अप कर रहे हैं, फिर वहां पे शुरू हो जा रहा है. ठीक है, इस टाइप से. एंड यहां हम फिल्लर ले सकते हैं ऐसे, एंड देन अगेन शुरू. ठीक है, इस टाइप से सिंपल तरीके से, इसमें बस एक ही पैटर्न चल रहा है, जैसे डाउन अप. इस टाइप से ये रहा सिंपल सा पैटर्न, एक सिंपल सी स्ट्रमिंग.
देन गाइज अगर अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एंड हमें नहीं आता अभी तो हम क्या कर सकते हैं ये जी शार्प माइनर एफ शार्प मेजर एंड ई मेजर हम ले सकते हैं एक पैटर्न एंड क्योंकि इसके सारे बेस नोट जो है वो यहाँ पे जाएंगे सिक्स स्ट्रिंग पे तो ये आपको आसानी होगी लेने में एंड नीचे वाली तीन फिंगर्स हम नीचे ही रखेंगे तीन स्ट्रिंग्स के लिए इस बारी तो वो ऐसे बनेगा अगर हम ले रहे हैं जस्ट एक डाउन एंड अप अगेन भाई ठीक है डाउन अप स्लैप इस टाइप से तो इसमें आप ये वाला गाना प्रैक्टिस करना ना सोना क्यों रब बनाया ना सोना क्यों रब ने बनाया ना सोना क्यों रब ने बनाया ना सोना क्यों रब ने बनाया आवा जावा ते मेरा रानो मना आवा जावा तो जब हमें ये वाला पैटर्न आ जाएगा लेना डाउन अप स्लैप पर तो तब हम एक नया स्ट्रमिंग पैटर्न करते हैं एक फुल स्ट्रमिंग पैटर्न जो बहुत गानों में यूज होता है हमने प्रीवियसली वो किया भी है वो ऐसे रहेगा इस टाइप से तो वो क्या है जैसे ये ए माइनर है तो फिफ्थ से हम शुरू करेंगे जी मेजर में हम ये हमारा बेस नोट रहेगा फोर इसका आप ध्यान रखना अगर हम इस टाइप से जी लेते हैं तो ये रहेगा हमारा बेस नोट ठीक है अगर सिक्स से लेंगे ऐसे मतलब इस टाइप से फुल तो ये सिक्स वाला रहेगा एंड एफ में भी सिक्स वाला रहेगा अगर ऐसे लेंगे तो फोर्थ वाला रहेगा ठीक है तो उसका यूज हम थोड़े अलग स्टाइल से करेंगे इसमें ताकि वो स्ट्रमिंग अच्छी लगे कैसे जैसे जैसे इसमें क्या रहेगा डाउन अप स्लैप देन फाइव फोर अप स्लैप ठीक है देन एक फिलर फिर से देखते हैं डाउन अप स्लैप फर्स्ट पार्ट देन फाइव फोर अप स्लैप एंड देन अगेन फिफ्थ या कुछ भी आप फिलर ले सकते हैं उसकी जगह जो आपका मन करे वो फिलर रहेगा डाउन अप स्लैप फाइव फोर अप स्लैप ठीक है मैं फिफ्थ ले रहा हूं फिर से फिलर डाउन अप स्लैप फाइव फोर अप स्लैप अगेन वहां पे वही यहां हम फोर से शुरू करेंगे वही वाला ठीक है फोर अप स्लैप फाइव फोर अप स्लैप एंड देन अगेन फिफ्थ यहां पे वही चीज फोर अप स्लैप फाइव फोर अप स्लैप एंड अगेन फिफ्थ तो ये एक पैटर्न है जो हम बड़ा हैंडी आ सकता है हमारे बड़े सारे स्ट्रमिंग पैटर्न की जगह
तो बस गाइज ऐसे ही थे पैटर्न, अगर आपको नहीं कुछ समझ आएगा मेरे को जरूर बताना, हम आगे भी करेंगे इसको। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू वॉचिंग, पुराने वीडियोज देखें, नए वीडियोज को लाइक करें, थैंक यू गाइज।